यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर आज हो सकता है फैसला। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने तारीखों का ऐलान कर दिया। यूपी बोर्ड ने लगातार तीसरे साल कक्षा 9 से 12 तक का 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को 70% पाठ्यक्रम पढ़ाने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 2022 और 23 सत्र में जो पाठ्यक्रम अपलोड किया है उसमें सभी विषयों में 30% की कटौती बरकरार रखी है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना के चलते 2 साल नियमित पढ़ाई न होने के कारण छात्र छात्राएं मानसिक रूप से दबाव में है। इस साल बोर्ड परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षा और मूल्यांकन के कारण तकरीबन 2 महीने स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित रही। 2 साल बाद स्कूलों में लौटे बच्चों को अच्छा माहौल देने और उनके समग्र विकास के उद्देश्य से इस साल भी 70% पाठ्यक्रम ही रखा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कक्षा 9 की रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में बदलाव किया है। अब 9वीं से 12वीं तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार नंबर एंटर करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने यह फैसला सरकार के निर्देश पर लिया है। हालांकि इस फैसले से ऐसे छात्रों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। बता दें यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च 2023 में आयोजित की जाएंगी। यूपी बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित होंगी। वहीं फाइनल परीक्षा से पहले प्री बोर्ड और छमाही परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए कहा गया है। 10वीं और 12वीं के लिए प्री बोर्ड 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इस साल परीक्षा पैटर्न अलग होगा। प्रश्न पत्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसके अनुसार प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ और व्यक्तिपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। साल 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा फीस जमा करने की आज लास्ट डेट थी, जबकि 9वीं और 11वीं में एडमिशन लेने वाले छात्रों की अग्रिम पंजीकरण के लिए फीस और शैक्षणिक विवरण 25 अगस्त तक अपलोड की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।